अरे छोड़ो तो सारे दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए आज पूरे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कहा गया था कि सभी जिलों पे कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो भारत चीन विवाद के जो विवाद चल रहा है उस विवाद के दौरान जो 20 जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत को याद किया जाएगा, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा और इस तरीके का कार्यक्रम राजस्थान में तमाम जिलों के अंदर हो रहा है। जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं उनकी जिम्मेदारियों के साथ में ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है, लेकिन अजमेर के स्टेशन रोड पर जो शहीद स्मारक है यहाँ पर जब कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे तो उसी दौरान इस श्रद्धांजलि सभा के अंदर फोटो खींचने को लेकर और सबसे पहले आगे बैठने को लेकर नेताओं के साथ आगे जाने को लेकर दो कार्यकर्ता कांग्रेस के आपस में लड़ भिड़े और ये लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ पर हल्का सा एक कार्यकर्ता के खून भी निकला है। और ये सारी जो घटना है पूरी घटना कांग्रेस के जो नेता हैं पूर्व विधायक है उनके सामने ये पूरी घटना होती रही। शहर अध्यक्ष विजय जैन से भी इस पूरे मसले के ऊपर जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया कि जो दोनों कार्यकर्ता थे वो कोई भी पदाधिकारी नहीं है, किसी पद के ऊपर नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो हरकत है उसकी उन्होंने निंदा भी की है। और ये इस तरीके से यहाँ पर जब ये पूरी घटना हुई तो यहाँ पर बिल्कुल तस्वीरों के अंदर बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार के कोरोना की जो गाइडलाइन थी उसका कोई भी पालना यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आई है। पुलिस को फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी अभी तक तो नहीं दी गई है जब तक कि हम इस खबर को दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस पूरे घटना के ऊपर अब अपना पल्ला भी झाड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये शहीदों के सम्मान और श्रद्धांजलि के लिए सभा का आयोजन था और इसलिए इस पूरे मामले को यहीं तक छोड़ दिया जाए। कार्यकर्ताओं का जो झगड़ा नेताओं के सामने हुआ है उसको उस तरीके से ना लिया जाए, उसको हाईलाइट ना किया जाए, उसको बताया ना जाए, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अनुशासनहीनता है जो नज़र आ रही है तस्वीरों के अंदर वो बिल्कुल साफ तौर पर अजमेर शहर से दिखाई देती है। देखिए दो कार्यकर्ता थे वो जिला कांग्रेस कमेटी के ना तो पदाधिकारी हैं ना हमारे किसी अग्रिम संगठन प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। कार्यकर्ताओं में पहले अंदर जाने को लेकर कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर आपस में धक्का मुक्की हो गई तो उसकी हम निंदा करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह की उन्होंने जो अनुशासनहीनता की है वो निश्चित तौर पर उस पर हम जो है अपनी कार्रवाई करेंगे। आज शहीद को नमन किया हमने पूरे देश में, आज इस कार्यक्रम को आप इसी पर रहने दें कि हम शहीदों को नमन करें और आज के दिन पूरे देश ने जो 20 लोग हमारे शहीद हुए लद्दाख बॉर्डर पर उनकी स्मृति में ये नमन कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग कृपा करके इस बात को तय रखें कि ये शहीद दिवस या शहीदों का नमन ही रहे और इसी में इस पद की गरिमा इसकी गरिमा है प्रोग्राम की। ये सर नहीं नहीं वो तो गलतफहमी थी आपस में, कोई खास बात नहीं भाई। ऐसा है जिस हिसाब से कांग्रेस कमेटी ने जो पूरे भारत में जो प्रोग्राम रखा था उसके तहत ही प्रोग्राम चल रहा था वो सब शांति से था। आप मीडिया वालों का प्रोग्राम था यहाँ लास्ट में जो विजुअल लेने का, उसमें फर्जी मीडिया बन के एक आदमी घुस रहा था तो मैंने उसको पहचान लिया। अब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उस बंदे ने मेरे पर हमला करा और उसका सबूत आप ये देख लो, ये उसका सबूत है। तो उसने हमला करा तो मैंने उसको धक्का दिया तो वो नीचे आया, उसके बाद हमारे में हाथापाई हो गई। कौन सा फर्जी मीडिया वाला था, क्या नाम था? वो एक श्रीनगर रोड पे है, कांग्रेस के प्रोग्राम में भी आता जाता है वो और ये कोई रोक टोक नहीं है, वो फर्जी है वो आदमी। और सिवाय मीडिया का मेरे को भी उसने बोला कि तू कौन होता है, मैं इसको इनके विजुअल बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला मीडिया किस लिए, तो कह तू कौन होता है, उसने मेरे को घुसा मार दिया। नहीं कार्यकर्ता कुछ नहीं है, वो तो सब ऐसे दलाल है, वो तो किस चीज़ का दलाल है, वो ऐसे ही फर्जी काम करता है ये काम और कोई नहीं है उसका। क्या नाम मेरे को जानी, श्रीनगर रोड पे रहता है वो भाई, श्रीनगर रोड पे रहता है, गोरा है, सिंधी समाज से है, सोनू धनवानी करके नाम है उसका। नहीं नहीं कोई रंजिश नहीं सर, कोई रंजिश नहीं, हमें आपने मेरे को पहचानते हो, मैंने कभी आपको आपने कोई प्रोग्राम में देखा कि मेरे को हाथापाई करी किसी से धक्का मुक्की करी।
भाई अध्यक्ष जी को हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग इस पर इन पर नियंत्रण रखो, कोई मतलब कोई तरीका ही नहीं है, कोई आ रहा कोई घुस रहा है, कोई किस पर चढ़ रहा है कोई उतर रहा है, कोई लेने कोई मतलब ही नहीं है, कोई डेकोरम नहीं है। इसलिए मेरा ये फर्ज था कांग्रेस के शांति के लिए बैठे थे झगड़े के लिए थे? नहीं शांति के लिए बैठे थे सर, हमने तो पूरी शांति बनाई है, मैंने बड़ी मोमबत्ती ला के दी है शहीदों को नमन के लिए, सारे काम करा था मैं तो, अभी वो बीच में सिर्फ मोमबत्ती जलाने नहीं मुकदमा को नहीं सर, वो तो प्रक्रिया का मामला है। आपका नाम? ये तो कहा नाम? शमसुद्दीन नाम है, शमसुद्दीन।